हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल, मैं हूं धनंजय। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी रिटायर्ड ISI चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल इशू कर दिया गया हो और उनको अरेस्ट कर लिया गया हो। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के रिटायर्ड ISI चीफ फैज हमीद के बारे में। वैसे तो आर्मी ने इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि जब ये ISI के चीफ थे तो अपने पोजीशन का मिसयूज किए और भी अलग अलग आर्मी एक्ट का वायलेशन किया गया है। लेकिन अगर आप इस पूरे डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये मामला करप्शन का कम और प्रतिशोध का ज्यादा है। और जहां तक बात किया जाए पाकिस्तान आर्मी में करप्शन का, तो पाकिस्तान आर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट करप्ट आर्मी में से एक है। और अगर कोई भी आदमी पाकिस्तान आर्मी में एक ठीक ठाक पोजीशन को सर्व कर चुका है तो ये चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कि उसने करप्शन को अंजाम नहीं दिया होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी तरीके से अगर एक ठीक ठाक पोजीशन में रह चुका है पाकिस्तान आर्मी में, तो आप उनके खिलाफ करप्शन का चार्जेस लगाइए और फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये डेफिनेटली प्रूफ हो जाएगा कि उसका किसी ना किसी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्वमेंट था। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा फैज हमीद के साथ में भी। और अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करें तो पाकिस्तान आर्मी के जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम का जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी न किसी तरीके से उन सब देशों में या उन सब बैंकों में है जो किसी भी तरीके से अपने अकाउंट होल्डर का नाम डिस्क्लोज नहीं करता है या किसी भी तरीके से वो फाइनेंशियल फ्रॉड को सपोर्ट करता है। और जहां तक बात किया जाए फैज हमीद के बारे में, तो जून 2019 से लेकर नवंबर 2021 तक ये ISI के चीफ बने रहते हैं। लेकिन ये जिसको ISI चीफ के पोजीशन से हटाते हैं उनका नाम है असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के फिलहाल आर्मी जनरल है। असीम मुनीर ज्वाइन करते हैं ISI को अक्टूबर 2018 में और इनको जून 2019 में हटा दिया जाता है। उसके पीछे का रीजन रहता है कि असीम मुनीर का जो रिलेशन रहता है वो उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ खराब रहता है। और क्योंकि फैज हमीद को बनाया जाता है ISI चीफ, तो कहने की जरूरत नहीं है कि इनके जो संबंध है वो इमरान खान के साथ अच्छे थे। तो उसके बाद जब नवंबर 2021 में असीम मुनीर का टेन्योर खत्म होता है एज एन ISI चीफ, तो वहां से ये एक साल और सर्व करते हैं पाकिस्तान आर्मी में, यानी कि नवंबर 2022। 2022 का अगर आपको टाइम पीरियड याद होगा तो ये वही टाइम पीरियड है जब इमरान खान को उनके पोजीशन से हटा दिया गया होता है। तो कहने का मतलब है क्योंकि फैज हमीद इमरान खान के काफी करीब थे और साल 2022 के अप्रैल के महीने में इमरान खान को हटा दिया जाता है, तो जब ये नवंबर 2022 में रेजिग्नेशन लिखते हैं तो वहां से भी इनके पास 4 महीने का टाइम था जहां पे ये आर्मी में और सर्व कर सकते थे, यानी कि ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि अप्रैल 2022 में इमरान खान को एज एन प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से हटा दिया जाता है क्योंकि उनके जितने भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो उनसे समर्थन वापस ले लेते हैं, तो उनके रिप्लेसमेंट में आता है फिर शहबाज शरीफ। और जैसे ही शहबाज शरीफ आते हैं वैसे ही उन सभी ऑफिसर्स को हटा दिया जाता है जिनके क्लोज रिलेशन थे इमरान खान के साथ, तो उसमें से एक फैज हमीद भी रहते हैं। और क्योंकि इमरान खान ने असीम मुनीर को हटाया था तो साल 2022 के नवंबर के महीने में असीम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो पोजीशन में है पाकिस्तान आर्मी में वो वैसे लोग हैं जिनके संबंध इमरान खान के साथ काफी खराब थे। तो कहने का मतलब है कि जब इमरान खान और उनके लोगों के पास पावर था तो वो लोग अपने हिसाब से काम किए थे, और अभी जब शहबाज शरीफ और उनके ऑफिसर्स के पास पावर है तो वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रह के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किसी भी देश में अगर लीडर इतने हाई रैंकिंग पोजीशन पे रहते हैं तो वो किसी न किसी तरीके का जो फेवर होता है वो अपने लोगों को करते हैं। तो कहने का मतलब है कि करप्शन के चार्जेस अगर आप किसी के ऊपर भी लगाएंगे तो ये डेफिनेटली प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने करप्शन किया। और जहां तक बात किया जाए असीम मुनीर के बारे में और इमरान खान के बारे में, तो एज पर मीडिया रिपोर्ट ये है कि असीम मुनीर पाकिस्तान आर्मी में जो करप्शन है उसको कम या उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जिसको लेके इमरान खान थोड़े से अनकंफर्टेबल थे। उसी के बाद ये होता है कि इमरान खान क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री रहते हैं तो इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं असीम मुनीर को हटाने का, और एट लास्ट उनको हटा दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अपने आप को सत्ता में बना के रखने का लड़ाई ज्यादा है, करप्शन का कम है। और साथ में अगर बात किया जाए तो ये वही टाइम पीरियड है 2022 का जब इमरान खान बीते कुछ महीनों से USA के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स को रिलीज कर रहे थे जो कि कंप्लीट तरीके से एंटी US था। तो कहने का मतलब है कि आज भी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में USA का बहुत बड़ा दखलअंदाजी है, जहां पे पाकिस्तान ऑफिशियली ये तो कहता है कि इसराइल
इजराइल एज एन कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने यूएस के कहने पे इजराइल को वेपन्स वगैरह भेजे हैं, खास करके 155 mm शेल्स भेजे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को उसके बाद लोन चाहिए था। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान का इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं आज भी यूएस ड्रिवन है, और यूएस आज इतना पावरफुल है पाकिस्तान के अंदर कि ऑलमोस्ट वही डिसाइड करता है कि पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं। और जैसे ही इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन से हटाया जाता है, इनके खिलाफ मल्टीपल करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं और बहुत सारे मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, और इनको जेल में भी डाल दिया जाता है, और साथ में इनके जो बहुत सारे जो क्लोज एसोसिएट्स थे या तो वो देश छोड़ के भाग गए हैं समय रहते हुए, या तो उनको भी किसी न किसी तरीके से निपटाने का प्रयास किया जा रहा। और जहां तक बात किया जाए फैज हमीद के बारे में कि उनके ऊपर क्या एलिगेशन था, तो जो एलिगेशन लगाया गया है फैज हमीद के ऊपर वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान में कोई बिल्डर थे जिनका नाम मोइज अहमद खान था, वो एक प्रॉपर्टी डीलर है या यूं कह ले कि वो एक बिल्डर है, जिनसे फैज हमीद ने कुछ एक्सटॉर्शन किया था पैसे वैसे का, क्योंकि उस वक्त फैज हमीद ISI के चीफ थे, और अगर आप ISI का चीफ रहते हैं तो आप यूं समझ ले कि आप पाकिस्तान में खुद में एक सरकार है। तो इस एलिगेशन में उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगाया गया है और उसके तहत उनको जेल में बंद किया गया है। हालांकि ये सब जो करप्शन के चार्जेस है ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, डिपेंड करता है कि आपके खिलाफ करप्शन के चार्जेस कब खोले जाएंगे और क्यों खोले जाएंगे। तो सिस्टमैटिक तरीके से इमरान खान के जितने भी जो सपोर्टर्स थे उनको खत्म करने का ये एक अटेम्प्ट। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।